हर सांस बुरी नहीं होती। एक सांस अपनी बहू से कहती है, बहू बहुत खास मेहमान आ रहे हैं, तुम खाना बना लो। तभी उसकी बहू गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने पति से कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे क्या समझ रखा है, दिन भर काम करवाती रहती है, नौकरानी की तरह मेरे साथ बिहेव करती है, मेरी तबीयत सही नहीं है, बोल देना अपनी माँ से, मैं जा रही हूँ सोने। इतना कहकर बहू वहाँ से चली जाती है। माँ जी ये सब बातें सुन रही होती है और वो कुछ भी नहीं बोलती। वो चुपचाप जाकर किचन में खाना बनाने लग जाती है। खाना बन के तैयार भी हो जाता है, इतने में मेहमान भी आ जाते हैं। माँ जी और उसके बेटे मिलकर मेहमानों के साथ खूब हंस बोल रहे थे। इतने में बहू की नींद टूटी और वो बाहर निकली तो देखी कि ये तो उसके अपने माता पिता थे। तभी वो चुप हो जाती है और देखने लग जाती है। तभी उसकी सासू माँ कहती है, आओ बेटा बैठो, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। बहू वहाँ आकर बैठती ही हैं कि सासू माँ बोलती हैं, ये लीजिए आपकी बेटी ने देखिए कितने अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं। इस पर बहू की नज़र शर्मिंदगी से झुक जाती है और तभी लड़की की माँ बोलती है कि मेरी बेटी तो है ही होनहार, देखा आपने कितनी अच्छी अच्छी खाना बनाई है। मैं ना कहती थी कि मेरी बेटी ससुराल जाकर सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेगी। लो देखो आज कितनी अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। और ये सब कहकर थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी बहू माँ जी के सामने माफ़ी मांगने लग जाती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। उसकी सासू माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से ही तो गलतियाँ हो जाती हैं और तुम तो हमारी बेटी जैसी हो। इस पर बहू की आंखें नम हो जाती है और वो सासू माँ के गले लग के रोने लग जाती है। दोस्तों हर सास बुरी नहीं होती और हर बहू भी बुरी नहीं होती। दोनों अपने अपने जगह सही होंगे, अगर आप उन्हें प्यार देंगे तो वो भी आपको प्यार देंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।